हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आईन। ये आईन ही तो वो आईना है जिसमें देख कर ही हम खुद को पहचान पाते हैं और सवार भी सकते हैं। आज से मैं आपको इस जादुई आईने के अंदर के संसार की सैर पर ले जाऊंगी। ये कैसे बना, कब बना, किस किसने बनाया और क्यों बनाया? दिसंबर 1946 में जिस इमारत की तामीर शुरू की गई थी, असल में उसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। और जैसे जैसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की आवाज तेज हुई, तो अपना संविधान बनाने की मांग भी और तीव्र होती गई। माय मेंटर गोपाल कृष्ण गोखले प्रेजेंटेड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट अ नोट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1914 एंड द ब्रिटिश सेड Yes, yes, we will accept it after the war. But now they want to make a constitution for us. But you know, a constitution for India should be and can be framed only by Indians. Now it works. What will you do with this spinning wheel, Mr. Gandhi? This is my secret weapon to drive the English rulers away so that we will have the power to make our own constitution. जब जवाहर कांग्रेस का सदर बना, तो उस युवा नेता ने हिंदुस्तान के अपने संविधान के सपने को और शदीद तरह से सबके सामने रखा। सच्ची आजादी तब मिलेगी जब हम अपनी चुनी हुई संविधान सभा के जरिए खुद अपने देश का संविधान सोचेंगे, अपना आईन तय करेंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जवाब में अंग्रेजों ने सन 1935 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया। ये एक्ट भारतीयों की उम्मीदों से न सिर्फ बहुत कम और अलग था, बल्कि इसकी वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान दूरियां और बढ़ने लगीं। इसी के मद्देनजर पहली बार हिज मैजेस्टी की सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री एक साथ भारत भेजे गए और ये कहलाया कैबिनेट मिशन। मैं और मेरे साथी इस वक्त यहां पूरे हिंदुस्तान की आजादी की पेशकश लिए मौजूद हैं। बाकी मसाइल दोयम हैं जो हम बाद में भी तय कर सकते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो जमा होगी एक आजाद हिंदुस्तान के ख्वाब की ताबीर करने के लिए। ड्रीम्स That may turn into nightmares for the Muslims of this country if we allow the Congress to have its way. That's why it's imperative that we Muslims of India have our own group of states that may decide its own constitution. What are the groupings you have in mind, Mr. Jinnah? All the Muslim majority states like Sindh, Punjab, Baluchistan, and Northwest Frontier Province will form the first group. And the states of Assam and Bengal will be in the second group. Mr. Jinnah, if, as you suggest, these groups separate from the body of India, but then pray tell us, what is left for the Constituent Assembly to make laws for? The rest of India in the center and the south. And what happens to the princely states? Well, they can have their own constituent assemblies. This is not acceptable to us. We are here to discuss the fate of a united India, not to break India into pieces. कड़वा सच ये था कि अंग्रेज हिंदुस्तान में अपनी घटती हुई फौजी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे और वो चाहते ही नहीं थे कि सांप्रदायिक आग को फैलने से रोका जाए। पर हाँ, जाने से पहले सत्ता वो सौंपना चाहते थे एक ढीले से राष्ट्रसंघ के हाथ, जिसकी लगाम हो सके तो उनके ही हाथों में रहे। Partition? The Congress will never agree to partition. Why would they agree to parity between themselves and the Muslim League in the interim government? And why would they not agree to have any Muslim members on behalf of Congress? How can one quarter of the population be given half the population's seats in the cabinet? अगर हमने कैबिनेट मिशन की सरकार में शामिल होने की तजवीज नहीं मानी, तो न सिर्फ हमें सरकार से बाहर बैठना पड़ेगा, बल्कि ये मुमकिन है कि अंग्रेज हमें दोबारा जेल में डाल दें। अब इससे बेहतर ये है कि हम उनकी इतनी सी बात मान लें
कि हमारी भीजी काबीना की फहरिस्त में किसी मुसलमान का नाम ना हो। खुद अपना नाम कटवाने की तरकीब बता रहे हैं आप तो मौलाना। मेरा मानना यह है कि जिना साहब के डर से या सरकार में शामिल होने की जल्दबाजी में अगर हमने कांग्रेस की सूची से मुस्लिम भाइयों के नाम काट दिए तो हम में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा। जिना साहब सिर्फ मुसलमानों के नेता हो सकते हैं पर आप लोग तो सिर्फ हिंदुओं के रहनुमा नहीं है ना। बापू आपने सही फरमाया मगर क्रिप्स और उनके साथी अभी रुकने वाले नहीं है। यूं नया संविधान बनाना तय हो गया और ये भी कि जिन्ना साहब की तजवीज के खिलाफ सिर्फ एक संविधान सभा मुल्क का रूप स्वरूप तय करेगी। जाहिर है कोई इस व्यवस्था से पूरी तरह खुश नहीं था मगर जिन्ना साहब पर तो जैसे गाज गिर गई थी। We have been betrayed by Viceroy Webel. Breaking all the norms of decency, they have invited the Congress, which had earlier refused the offer to join the interim government without even consulting us. I call upon all the Muslims of this country to take to direct action. From Friday the 16th of August, we will resort to direct action till we have achieved our cherished goal, our Pakistan. Pakistan! Jindabad! Pakistan! Jindabad! Pakistan! 16 अगस्त 1946 भारत के इतिहास के काले दिनों में शामिल होने जा रहा था। जिन्ना साहब की पुकार पर 16 अगस्त की सुबह से ही हथियारबंद लोग कलकत्ता की सड़कों पर उतर आए और हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। बंगाल में जो हुआ उसके बदले में पहले बिहार और फिर बाकी भारत में भी हिंसा का तांडव मचने लगा। लाट साहब वेवल का मानना था कि हिंदुस्तानियों के साथ मिलकर बनी सरकार ही इस गृह युद्ध जैसी स्थिति को रोक सकती है। सुपंडित नेहरू ने अंतरिम सरकार में वाइस प्रेसिडेंट और सरदार पटेल ने गृह मंत्री का पद स्वीकार कर लिया। जिन्ना साहब ने तो पहले इस सबका मजाक उड़ाया फिर 15 अक्टूबर तक उनकी तरफ से भी लियाकत अली खान ने वित्त मंत्री का पद संभाल लिया। जिन्ना साहब खुद सरकार में शामिल नहीं हुए नेहरू जी ने अंग्रेजों को उनके घर में घुसकर अंतिम चेतावनी दे डाली। मास एक्शन के डर से ब्रिटिश सम्राट की सरकार तुरंत मान गई और पंडित नेहरू के भारत लौटते ही 3 दिन के अंदर हिंदुस्तान का आईन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मिलना तय हो गया। 9 दिसंबर 1946 के ऐतिहासिक दिन इसी इमारत में पहली बार इकट्ठा हुई भारत की संविधान सभा। बस 2 लोग वहां नहीं थे और शायद 2 सबसे अहम लोग कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी। संविधान सभा ने सबसे सीनियर सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कार्यकारी अध्यक्ष चुना और उनकी निगरानी में सारे सदस्यों ने शपथ ली। फिर सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तेरह दिसंबर के ऐतिहासिक दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो हमारे आईन की नींव बनने वाला था और ये था संविधान के लक्ष्य और ध्येय के बारे में, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। मिस्टर चेयरमैन, द रेजोल्यूशन दैट आई एम प्लेसिंग बिफोर यू डिफाइन्स आवर एम्स एंड डिस्क्राइब्स एन आउटलाइन ऑफ द प्लान्स एंड पॉइंट्स टू द वे व्हिच वी आर गोइंग टू ट्रेड। भारत की अक्षुण्णता, अखंडता और स्वायत्तता से लेकर नए भारत में सबकी समानता और एकता तक की बात अपने प्रस्ताव में रखी थी पंडित नेहरू ने। 13 दिसंबर को एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के साथ पंडित नेहरू ने हमारे संविधान की नींव रखी थी और 14 दिसंबर को जिन्ना साहब ने संविधान सभा की पूरी बुनियाद पर ही सवालिया निशान लगा दिया। इट्स ऑल वेरी वेल टू टॉक इन दिस लूज वे अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द रियलिटी इज that the Congress with 292 supporters, there might be a few less, has a brute majority, where the Muslim number is only 79. Is that what people understand when they talk of democracy? The truth is that between the Hindus and Muslims in India, there is no such thing as democracy. ये तो बस आगाज था।
आगे और तमाम अड़चनें आनी बाकी थीं। अब देखना है इन चुनौतियों का सामना कैसे किया हमारा संविधान बनाने वालों ने।